मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा राजनीति का अखाड़ा बन गया। 19 जनवरी को परासिया ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन बाल्मीकि और बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मंच पर ही भिड़ गए। दोनों के बीच माइक पर तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच मंच पर मौजूद जनपद अध्यक्ष आशा अमरवंशी ने बीजेपी अध्यक्ष के माइक का स्टैंड छीनकर फेंक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की और बीच बचाव के दौरान जनपद अध्यक्ष मंच से गिर गईं। इसके बाद उन्होंने मंच की ओर निशाना साधते हुए जूता फेंका। विवाद के बाद दोनों पक्ष थाना पहुंचे। रावणवाड़ा पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर विधायक सोहन बाल्मीकि, जनपद अध्यक्ष आशा अमरवंशी और कृपाल शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच पर कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस होने पर और आरोप प्रत्यारोप और धक्का मुक्की की नौबत आने पर वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी और अन्य विभाग के अधिकारी बीच बचाव करने में उतर गए। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई। दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप के साथ नारेबाजी करने लगे। दरअसल संकल्प यात्रा के शासकीय कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भाषण दे रहे थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो विधायक सोहन बाल्मीकि ने उन्हें ये कहते हुए टोका कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आप हमारी पार्टी पर आरोप ना लगाएं। परासिया से कांग्रेस एमएलए सोहन लाल बाल्मीकि ने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मंच से सरकार की योजनाओं के विषय में बात करने के बजाय कांग्रेस को भला बुरा कहने लगे। हमारी जनपद अध्यक्ष आशा ने जब इस बात का विरोध किया तो बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उन्हें अपशब्द कहा। इस पर हमने कड़ा विरोध दर्ज कराया था, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केवल विरोध के नाम पर जूते फेंके गए और जमकर धक्का मुक्की भी की गई।